Good morning students, today is our maths class and we are going to study remaining question of exercise 8.1. So, आज हम start करने वाले हैं question number 6 से. क्या है? What percentage is? तो हमें इसमें percentage find करना है. तो पहला क्या दिया है? 8 hours of 2 days. तो यहाँ hours है, यहाँ days है. तो दोनों unit एक जैसे होने चाहिए. तो हम क्या करेंगे? Bigger unit को smaller unit में convert करेंगे. तो bigger क्या है? Days है. तो डेज को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? आर्स में कन्वर्ट करेंगे. सो हम क्या लिखेंगे? वन डे इज इक्वल टू हाउ मेनी आर्स? 24 आवर्स. एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे. टू डेज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 24 मल्टीप्लाई 2, विच इज 48 आवर्स. अब हमें परसेंटेज किसका निकालना है? 8 बाय 48. सो किससे मल्टीप्लाई करने से निकलेगा? 100 से. तो ये आपस में कट रहे हैं. कितनी बार कट रहे हैं? 8 वन 8, 8 6 48. अब 2 से हम 6 को भी काट सकते हैं और 100 को भी काट सकते हैं. 2 3 6 हो गया एंड 2 50 100 हो गया. सो ऊपर क्या बचा? 50 और नीचे क्या बचा? 3. जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको इसको मिक्स फ्रैक्शन मिल जाएगा, 6 2/3%. So, इसी तरीके से आपको सेकेंड थर्ड फोर्थ सेल्फ सॉल्व करना है. पर आपको ध्यान रखना है कि जो बड़ा यूनिट है उसको आपको पहले छोटे यूनिट में कन्वर्ट कर लेना है. क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? फाइंड द नंबर हुज 13% इज 39. दैट मीन्स कि हमें उस नंबर को फाइंड आउट करना है जिसका 13% निकालने से 39 होता है. तो हम लिखेंगे लेट द नंबर बी एक्स, क्योंकि हमारे पास नंबर नहीं है तो हम उसको क्या मान के चलेंगे? एक्स. तो 13% ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो रहा है? 39 हो रहा है. तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 13% किस में से? 100 में से. तो 13/100 × x इज इक्वल टू 39. अभी क्या हो जाएगा? 13 × x 13x/100 इज इक्वल टू 39. अभी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 100, तो यहां रह जाएगा 13x = 39 × 100. अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 39 × 100/13. अब इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है और 13 से डिवाइड करना है. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास? 300. क्वेश्चन नंबर 8 इसी तरीके से आपको सेल्फ सॉल्व करना है. क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है? फाइंड 66 2/3% ऑफ 300. तो हमें 300 का 66 2/3% निकालना है. तो क्योंकि एक मिक्स फ्रैक्शन है तो सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे? इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे. तो 66 × 3 कितना होता है? 198 + 2 कितना होगा? 200. तो इसको इम्प्रॉपर में बदलने के बाद क्या जाएगा? 200/3. और परसेंट है तो किसमें से है? 100 में से. मल्टीप्लाई 300. तो जब डिवाइड पोजिशन में होता है फ्रैक्शन तो उसको हम मल्टीप्लाई का सिंबल देके उसका रेसिप्रोकल करते हैं. तो क्या हो जाएगा? 200/3. 100 का रेसिप्रोकल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1/100 × 300. तो ये 100 से 300 कितनी बार में कट रहा है? 3 बार में. और ये 3 और ये 3 भी कट जा रहे हैं. तो 200 बन जा, क्या बचेगा फिर? 200. इसी तरीके से इसके जो बाकी के क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क है जिसे आपको सेल्फ सॉल्व करना है और इसको बार बार प्रैक्टिस करना है और ग्रुप में सेंड करना है. हैव अ नाइस डे.